Put your hands together to welcome our guest of the Dancer Talk. So that I'll be sort of swagger coming out for the guest in Dancer Talk. Okay, she promote by the show and then come and say, I wish for the game of this time for bad time. Please take your seat. Singer Arvind Arora sir on stage. Mr. Karthik on stage.
94.5 FM से जो आज एक कार्तिक हैं वो स्टेज पर आ रहे हैं अपनी कुछ कहानी आपके सामने लेकर तो उनकी तसल्ली से तस्दीक से हमें सुनते हैं सरकार। मैंने जब शुरू किया था पहले अपना किस्सा सुना था फिर आपको आगे बात बताऊँ तो मैं जब भवानी मंडी से पहुंचा टी वी करने के लिए जयपुर में अपने आर जे को सुना सिट को तो मुझे लगा कि मुझे भी आर जे बनना चाहिए तो मैंने पहले स्टेशन में जाता था अपना सी वी लेकर के और मेरे अंदर वही जुनून था कि मुझे तो रिव्यू रखी नहीं मेरा सी वी लेते थे गार्ड साहब और अपने लिए कुछ तो वहीं पर ऐसे नीचे डाल रहे थे मेरा भाई बाद में पी लेना तो मैं चाहे थोड़ी पैसे के लिए फिर मैंने फाइनली अलग अलग जगह ट्राई करने के बाद हमारे फिर मैं जहाँ मैं रिव्यू कर रही हूँ तो मैंने इंटर्नशिप की और वो जो 9 महीने की इंटर्नशिप थी उसने मुझे लाइफ सिखाया। आज यहाँ मोहन सर कह रहे थे कि अब मैं से बड़े सारे लोग जो है जो आई टी में जाना चाहते हैं जमीन करना चाहते हैं वो सारे लोग तो पहले लाइफ स्किल सीखने की जरूरत है। मैं मुझे जो 9 महीने थे उसमें लाइफ स्किल सीखने लगा था मेरी जिंदगी जीनी जा सकती तो ज़्यादा कोशिश कर रहा था आज उनका आज उनका जहाँ इतना वहाँ से पहले लोग जाना था बीच में एक स्टेशन आ गया कुछ हो ही नहीं रहा लेकिन फिर एक अंदर से आवाज आई कि तुम कर सकते हो अपनी हार के बाद मैंने अपने आप को फिर से सेल्फ मोटिवेट किया पापा को बताया एक दो महीने और अगर कुछ ना कुछ करूँगा फिर भी फाइनल ईयर के बाद और उसके बाद मुझे कोटा में ही इसी शहर में पहली बार 1 सितंबर 2010 यानी कि आने वाली तारीख 12 साल रिव्यू करते हुए जाएंगे उस दिन पहला शो करने का मौका मिला और मैंने मना क्यों किया तो मैंने सोचा था कि मैं जब आरजे बनूंगा तो ऐसे आरजे नहीं बनूंगा इसके बहुत सारे आरजे बनते हैं ऐसा आरजे बनूंगा कि लोग आरजे बनने को फिर कार्तिक आना चाहिए। 2017 में मैंने कहानियाँ सुनाना शुरू किया सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब शुरू शुरू में लोग देखते नहीं थे 200-300 व्यूज आते थे पता ना आप भी जाना कि देख रहे हो 100 व्यू तो मैंने बढ़ा दी बार बार जाने 6 महीने तक मैं डालता रहा सोमवार सुबह 9:30 बजे और ये सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरा ट्रेडमार्क हो चुका है। 6 महीने के बाद में एक वीडियो ऐसा था जिसको मिलियन लोगों ने देखा और उस वीडियो की वजह से जो पुराने 6 महीने के वीडियो थे उनको मिलियन लोगों ने देखा और फिर वो कारोबार बढ़ता चला गया। आज 1 करोड़ के लगभग लोग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ मिलते कहा तो उसने ये सोचता कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं इसका तो कुछ होगा ही नहीं तो फिर कुछ हो नहीं सकता तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आपको मेहनत करनी लगातार करनी तो मेरी इस जीवन यात्रा में जिसमें बहुत सारा स्ट्रगल है बहुत सारे लोगों ने आज आप नहीं बन सकता कई सारे लोग आज फोन देखते हैं अपनी मौसी का होता है उसमें सेल्फी तो ऐसा चीज़ है तो ये आपके साथ होगा लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी इसलिए बड़े कमाल की बात कही कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो कि खौफ पर रही मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते आपको भी त्याग करना पड़ेगा उस मीठी नींद का जो सुबह सुबह है आपको भी त्याग करना पड़ेगा उस चैट का जो आप दिल पे चले जाते हैं करते चले जाते हैं करते कितने लोग ऐसे चैट में होते हैं कहीं वो बात पता चलता है कि इस लड़के से बात करें तो बढ़ता ही है तो आपको भी उस चैट का उस मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा नींद का त्याग करना पड़ेगा तब जा करके आपको अपना सपना मिलेगा यह सपना निकालने के लिए लोग हम देखने हैं तो ऊंचे देख क्योंकि नीचा गिराने के लिए तो लोग और कदम रखना है तो आगे क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग और तू कोशिश तो कर क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग और आखिरी में बात खत्म करते हुए कितने सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ये टेंशन है कि मेरे चाचा मेरे फूफा मेरे मौसा काम करके खुशी की कैसे चल रही थे रिश्तेदारों में टेंशन लेके कितने लोग आए हैं किसी ने बड़े कमाल की बात की आप सबके लिए कि लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगा लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं और बाद में नमक लगा के खाते हैं तो ऐसे खतरनाक रहिए और मैं अपनी लाइफ में आप सबको मालूम है आप सब पंच तत्व से बने राइट 5 तत्व से लेकिन सक्सेस जो है वो 3 तत्व से बने सबसे पहला बुरा अधिकार शुरू है और मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि अगर वो आपके साथ नहीं पहली बात तो अगर वो आपके साथ नहीं मेरे नीचे वाले कुछ नहीं सकते तो ऊपर वाले का आशीर्वाद दूसरा आपका जो परिवार है आपकी जो फैमिली है उसका क्या बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली में टेंशन में रहते हैं तो फैमिली का क्या तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपका हार्ड वर्क आपकी मेहनत आप
लाइफ में जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका हार्ड वर्क। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। द मोटिवेशनल स्पीकर जो MD क्रिएशन के ओनर भी हैं और उसको संचालन भी करते हैं और लाखों करोड़ों जिंदगियों के बदलने के हकदार भी हैं। लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर महेंद्र कोपले सर ऑन द स्टेज। कैसे आप सभी लोग? जैसे मेरे रील्स देखे हैं वैसा मैं हूँ नहीं, मैं उससे थोड़ा सा अलग हूँ। कैसा हूँ आज आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तैयार है आप लोग? अरे हाँ ना। चलिए देखते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जाना कहाँ है? जब आपको आपकी लाइफ में मंजिल साफ साफ दिख रही होगी, ये खड़ी है मेरी मंजिल। आपको नहीं, मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जब आपको साफ साफ दिखता है कि मुझे जाना कहाँ है, उस वक्त आप एग्जैक्टली वही जाते हैं जहां पर आपको जाना होता है। लेकिन आप में से कई सारे बच्चे अभी भी, कई सारे लोग अभी भी अपनी एग्जैक्ट मंजिल जो है जानते नहीं है कि मुझे जाना था। कई साल बीत जाएंगे तब आपको समझ में आएगी, यार मैं जाना तो कहीं और चाहता था लेकिन आ कहीं और गया हूं। इसलिए अभी से पहले फिक्स करो कि आपको यही गलती आप में से दूसरा जो लेसन है वो आप लोगों के लिए कि आप में से कई सारे लोग यही गलती करें कि आपकी ताकत बहुत ज्यादा है लेकिन आप उसे कम आंक रहे हैं, या फिर इसका उल्टा, आपकी ताकत बहुत कम है लेकिन आप बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, पता कीजिए कि जाना कहाँ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया अपनी ताकत पहले जान लो कि मैं कहाँ पर हूँ, पानी में कितने खड़ा हूँ, उसके बाद आगे की तैयारी शुरू कीजिए। कई सारे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा आंक लेते हैं लेकिन जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है यार मैं तो बहुत कम था। या फिर कई लोग अपने आप को बहुत कम आंक लेते हैं और फिर रिजल्ट आता है तब पता चलता है यार मैं तो बहुत अच्छा था। तो पहला लेसन कहाँ क्या है, जाना कहाँ है। दूसरा, आपकी ताकत का आपको पता होना चाहिए, जोरदार बुलाना पड़ता है। साथ में बुलाना चाहेंगे द मोटिवेशनल स्पीकर अरविंद अरोड़ा सर ऑन स्टेज।
जोश पता है तब आता है जब ऑडियंस उसका साथ दे। तो अब मैं आप लोगों से एक ही सिंपल सवाल पूछूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात को कहना शुरू करूंगा, और वो सवाल ये है, हाउ द जोश? और वो चीज आप लोगों को बहुत आगे लेके जाएगी, उससे मैं शुरुआत करूंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक दिन यहाँ से इन लोगों से इंस्पिरेशन लेके, थोड़ा बहुत मुझसे इंस्पिरेशन लेके यहाँ पर आप लोगों को बोलने का मौका मिले। आप में से बहुत सारे लोग होंगे और मैं चाहता हूं कि और बहुत सारे प्रमोद महेश्वरी सर निकले, और बहुत सारे आरजे कार्तिक निकले, और बहुत सारे एंटी मोटिवेशन निकले, और वो चेहरे, वो जज्बात, वो जोश मुझे यहाँ पर आप सब लोगों में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सपना बुनता हूँ आपकी आंखों में, और वो सपना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से मैं मेरी बात शुरू करूंगा, क्योंकि वो हर दिन मैं अपने आप से कहता हूँ, और वो बहुत जरूरी कि कुछ खाम है जो मैं आसमान से दूर चाहता हूं, कुछ खाम है जो मैं आसमान से दूर चाहता हूं। जिंदगी भले गुमनाम थी पर बहुत मशहूर चाहता हूं। एक बार एग्जाम था, आप लोग एग्जाम देते हो, एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं, तो एक बार एक एग्जाम था और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट थे एग्जाम दे रहे थे, सवाल ये था व्हाट इज गट्स, कि गट्स क्या होते हैं। तो जब बच्चों को वो सवाल दिया गया तो बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर लिखा, एक बच्चे ने क्या किया, पूरा पेज खाली छोड़ा और उसके नीचे लिखा दिस इज कोल्ड गट्स। अब वो और लिखता है कि अब आप में गट्स है तो नंबर देके दिखाओ। और मजे की बात ये थी कि टीचर ने उसे पूरे नंबर दिए। अब यहां पर कहानी क्या, जरा समझना, जिंदगी में आपको एक कॉलेज स्कूल कुछ सिखाए नहीं सिखाए मैं नहीं जानता हूं, एक चीज जिंदगी को जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गट्स। और ये गट्स कौन सी किताब में सिखाए जाते हैं, कोई किताब में नहीं, आपकी स्कूल की किताबों में, आपके कॉलेज की किताबों में नहीं। इवन सोचिए कि प्रमोद महेश्वरी सर ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्कूल के बच्चों का सेमिनार देना हार्ड है, उसके बावजूद यहाँ पर तीन लोग बहुत अच्छा बोलते गए, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ये भी एक तरह का गट्स है। और आप लोगों को जब मंच मिले, आप लोगों को जब मंच मिले, मैं चाहता हूं कि आप किसी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रेड कार्पेट पे आने का, यहाँ पर खड़े होकर अपनी स्टोरी बोलने का मौका मिले, लेकिन ये गट्सी मौका उसी को मिलता है जो ध्यान से सामने वाले को सुनता है, जो ध्यान से उसके एक्सपीरियंस को गेन करने की कोशिश करता है। मैं 15-20 मिनट 25-30 मिनट बोल दूंगा, उसके बाद क्या है, घर चला जाऊंगा, ये लोग भी हैं घर चले जाएंगे, यहां से सीख के वही जाएगा जो इस जज्बात को समझेगा कि मुझे यहाँ पर वापस आना है, गट्सी बनना है और यहाँ पर एक दिन अपनी स्टोरी सुनाने से पहले। ये गट्स किसी किताब में सिखाए नहीं जाते, किसी स्कूली किताब में सिखाए नहीं जाते, ये कहाँ सीखने को मिलते हैं, आज मैं वो आपको बताता हूँ। तो पहले गट्स की बात करें तो ऑल अबाउट गट्स, तो ये स्टोरी भी गट्स की है, पर उससे पहले भी एक लाइन है, कई पूछ रहे थे गट्स क्या होता है, साहस हिम्मत। साहस पता है एक ऐसी चीज है जो डर को डरा देती है, अगर आपके मन में कोई डर है तो उसको एक ही चीज जीत सकती है, एक ही चीज कॉन्कर कर सकती है, और वो है साहस, वो आप में होना चाहिए।